चलते हैं दरबार की ओर। सबसे पहले लाल सेट वाले खड़े होंगे, खड़े होइए और दोनों तरफ घूमिए फिरिए, जहां मन आए उसको भेज दें, उसी का नंबर है। देखिए, आप अपने आप को रोक के अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, दुश्मनों को, जिसको चाहो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। बोलिए श्री पांडोकर सरकार की, फटाफट आइए भैया पांडोकर सरकार के दरबार में। पांडोकर सरकार के दरबार के में आज के परिचय में पहला पर्चा देखिए, बोलिए जी। मैं स्थान सूरत से आया हूँ जी। जी मैं अपने परिवार के लिए पूछना है। किसके लिए? अपने बीवी बच्चों। अरे कौन सी बीवी, नाम हो गए, बच्चे होंगे, कितना आजकल पता ही नहीं पड़ता किसके कितने बच्चे हैं, कितनी किसकी पत्नी है। नहीं भाई डरवा नहीं रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ लोग हों तो घबराना मत, मन में प्रणाम कर लेना, नहीं खोलूंगा। हाँ बोलिए किसके? उनको तकलीफ रहती है मेरी। किसके? मेरी बीवी को। नाम बताइए। सीता देवी। बढ़िया, आपने किसी को बताया तो नहीं है? सीता देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है, आज से ही ठीक होंगे, आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। हनुमान जी सहायता करेंगे, मंत्र 108 बार करना पड़ेगा, पांडोकर धाम का नियम से करेंगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। पांडोकर सरकार की जय। डॉक्टर ने क्या बताया उनको? हनुमान महाराज की जय। वाह, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया जी मानसिक रोग है। और हमने क्या लिखा? प्रेत बाधा है। तो इस प्रेत बाधा के लिए आपको निवारण होगा और इसके लिए आपको बरहा जाना है, पांडोकर धाम जाना है, हमारी गारंटी है। ये मंत्र करने से ओम क्लीम फट कुरु स्वाहा, तीन रामायण, तीन दिन का हवन, तीन नारी बंधन, ये करना पड़ेगा। करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम ना तुम्हारा काम। श्री हनुमान जी पांडोकर सरकार कृपा करेंगे, तत्काल ही लाभ होगा, पांडोकर धाम आने पर लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब मंत्र क्या लिखा है वो भी आप पढ़िए। वैसे मंत्र किसी को नकल नहीं करना है, सबका मंत्र अलग अलग होता है। ओम श्रीम क्लीम फट स्वाहा, लेकिन हमने एक मंत्र, एक शब्द हमने इसमें अभी भी खा लिया है, पहले भी हमने पढ़ने में एक शब्द को आगे पीछे किया है। कारण क्योंकि मंत्र फ्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, मंत्र कभी उजागर नहीं बोला जाता है, मंत्र को छुपाना चाहिए, तभी मंत्र फ्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, मंत्र तब चलता है तब उसको छुपा के रखोगे और जपोगे। साधना क्रम में मंत्र को जब सिद्ध करते हैं, जागृत करते हैं तो छुपा के करते हैं, और जब किसी भी चलाते हैं तो फिर भी औंठ चलना चाहिए, मंत्र बोलना नहीं चाहिए। लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप क्या लिखते हैं, हम यह लिखते हैं, अब पर्चे पर नहीं दिखाएंगे। इसके बाद सबका मंत्र अलग अलग है, ऐसा मत करना नहीं मेडिकल की तरह करो, अरे महाराज जी ने इनको बारे में बीमारी पे ये बताया था तो ये मंत्र कर लोगे लाभ मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर के यहां दवाई लेने जाते हो ना भाई, खांसी तुमको है, एक दवाई हमारे पास भी रखी साहब, ये खा लो और ठीक हो जाओ, ये नहीं करना है। वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं कि बगैर डॉक्टर के परीक्षण के, बगैर परिचय के, बगैर परामर्श के दवा नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट होता है। इसी प्रकार के मंत्र भी बगैर गुरु के आज्ञा के नहीं करना चाहिए। सब मंत्रों के काम अलग अलग है, हमने ये मंत्र इनके लिए दिया है, यही शब्द किसी में आगे होगा, किसी में पीछे होगा, किसी में परिवर्तन होगा, तो दोनों में भारी फर्क रहता है। बोलिए श्री पांडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय।